भैरव सिंह शेखावत को जोड़ तोड़ की राजनीति का उस्ताद कहा जाता है। सत्ता हासिल करने के लिए वे हर हथकंडे का इस्तेमाल करना जानते हैं। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह भैरव सिंह शेखावत ने जनता दल और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई, उससे यह बात साबित हो गई कि शेखावत भाजपा में अपने ढंग के अकेले नेता हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति अगर सीखनी हो, कम आपके पास एमएलए हो, सरकार बनानी हो जोड़ तोड़ करके, दूसरी पार्टी के लोगों को पटा के सरकार बनानी हो, तीन बार मुख्यमंत्री बनना हो, सरकार हर तरह से अपनी रखनी हो, तो शेखावत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करिए, वहाँ से ये सीखिए कला। मुझे पता नहीं, मैंने तो कोई स्कूल बनाया नहीं है और न मैं किसी ऐसे स्कूल का विद्यार्थी हूँ। अगर लोग इन सब बातों को सीखना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करूँगा, आए सीखें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। अच्छा हुआ आपने नया नाम इंट्रोड्यूस किया है, चल जाए तो मुझे कोई खुशी होगी। को कैसे आप पटा के ले आते हैं? पटाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक आदमी की निष्ठा पर डिपेंड करता है। अगर मैं 1995 में हम गए थे, सरकार नहीं बना, दोबारा चुनाव होते तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होता, ये भी मेरे सामने क्वेश्चन था। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने तय किया गवर्नमेंट बनानी है और इंडिपेंडेंस ने बिना किसी लोभ लालच के समर्थन दिया है। हम उनके आधार पर गवर्नमेंट नहीं बनाऊँ तो राजनीति में काहे के लिए बैठा। नहीं, उन इंडिपेंडेंट एमएलए को तो कांग्रेस भी बड़ी तोड़ने की कोशिश कर ली थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, वो हर तरह से साम दाम दंड भेद से तोड़ सकते थे, लेकिन आप कैसे सक्सेसफुल? मैं आपको बता दूं, उनका साम दाम दंड भेद कुछ नहीं चला और आपका चला। मेरा साम दाम दंड भेद नहीं चला, मेरे प्रति उनका विश्वास था, उसने काम किया। आप इतना टूट विश्वास कैसे हो गया एमएलए का? नहीं, एमएलए का तो मेरी 40 वर्ष की पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें मैंने राजनीति में किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया वो राजनीति में सफल नहीं हुआ। या पूरा राजस्थान का राजनीतिक इतिहास उठा कर देखें, या वो लोग इसलिए आए क्योंकि आप उनको मिनिस्टर बनाना चाहते? मिनिस्टर बनाने कोई सवाल नहीं, मिनिस्टर नहीं बनाता तो भी काम चल सकता था। मिनिस्टर बनाया, जो कुछ डिसीजन लिया वो सब एमएलए की प्रेजेंस में लिया। आपकी पार्टी के लोगों को, आपकी पार्टी के एमएलए को इस बात की बहुत शिकायत थी कि जो आप तोड़ कर एमएलए लाए थे इंडिपेंडेंट, उनको तो आपने मिनिस्टर बना दिया, उसमें कम से कम 80% लोगों को, और पार्टी के जो लोग डिजर्विंग थे, सीनियर थे, उनको नहीं बनाया। ये सारा पार्टी की सलाह से हुआ है, जैसे में निर्णय लिया गया पूरी पार्टी ने निर्णय लिया, इसलिए पार्टी के एमएलए ऐसी बात कहते नहीं होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लूं, बाकी एमएलए नहीं कहते। तो आपके हिसाब से डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए और इलेक्शन पर दोबारा पैसा खर्च ना हो, इसके लिए अगर जोड़ तोड़ कर एमएलए लाओ तो गलत नहीं है? जोड़ तोड़ नहीं है, ये जोड़ तोड़ को नहीं, इसको मैं जोड़ तोड़ नहीं करता। उनकी भी इच्छा थी कि इलेक्शन नहीं, उनकी भी इच्छा थी कि राजस्थान में डेवलपमेंट के काम जो हमने अधूरे छोड़ दिए थे वो पूरे हों। वो सारी इच्छा की अभिव्यक्ति एक प्रकार के मिलन से हुई है, ये जोड़ तोड़ नहीं है। नहीं, हर बार होता है, जैसे पिछली बार जनता दल का एक फैक्शन टूट के आपके साथ सरकार में टूट के आ जाए तो मैं धक्के थोड़ा ही मारूंगा। वो भी ये समझते थे कि भाई ये गवर्नमेंट चलनी चाहिए, जनता दल तो दूसरे लोगों के हाथ में थी, उनमें टुकड़े हो गए और टुकड़े में एक ने कहा कि भाई हमने गवर्नमेंट में रहकर जो काम करना सीखा है और जो अपना उत्तरदायित्व तो पूरा कर रहे हैं उसको और पूरा करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं। तो ऐसा राजनीति की मुझे तो आज तक हिंदुस्तान में मिला नहीं है जो कह रहे मेरा साथ दे रहा हूँ दरवाजे के बाहर निकलो। माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाने का या माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी में लाने का हुनर नरसिम्हा राव को आप नहीं बताया था? नहीं, मैंने नहीं बताया, न मेरे उम्र की उनको आवश्यकता थी। उन्होंने भी इस तरह से चला लिया, जनता दल का एक फैक्शन तोड़ा और साथ में चले। वो तो उनके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने कारण से क्यों गवर्नमेंट ये बनाई आपको बता दिया। आप में ऐसी कौन सी कला है कि तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के? कला नहीं है, जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास पार्टी से ज्यादा लगता है व्यक्ति पे? नहीं, पार्टी पर भी विश्वास है और मेरे पर भी विश्वास है। पार्टी पर विश्वास नहीं होता तो हमारा ग्राफ नहीं बढ़ता। भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी पर जमीन हड़पने का आरोप लगते रहे हैं, इसे लेकर विधानसभा में भी काफी शोरगुल और हंगामा हुआ, लेकिन शेखावत इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं। जब आपके दामाद को लेकर काफी कुछ हंगामा अखबारों में हुआ था कि उन्होंने 298 बीघा जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली, क्या असलियत है इसकी? असलियत यह है कि जमीन उनके फादर ने इनके जन्म से पहले ली थी, अब इसे आप अंदाज लगा लें इसमें कोई असलियत। विधानसभा में तो काफी हंगामा हुआ, विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, लेकिन जब लोगों को ये मालूम हुआ कि ये जन्मे उसके पहले ही उनके फादर ने जमीन ली थी, उसके बाद में हंगामा खत्म हुआ।
न केवल कांग्रेस के लोगों पर बीजेपी के लोगों में भी काफी सुगबुगाहट थी। कोई बीजेपी के लोगों में कोई सुगबुगाहट नहीं थी, असलियत मालूम नहीं हो। जैसे मैं मामला उठाया तो मुझे ही पता नहीं था। जब मैंने उनके फादर से पूछा ये मामला क्या है, उन्होंने कागज वागज दिखाए कि जैसे मैं जन्मे नहीं उसके बाद में, उसके पहले जमीन ली थी। जमीन ली तो भाइयों में बंटवारा होना स्वाभाविक, बंटवारे में इनके हिस्से में भी जमीन आई। कहते हैं आप लीडर अपोजिशन के कमरे में गए और उनको समझा बुझा कहा कि मेरा पर्सनल मामला है, क्यों उठा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनल मैं कभी किसी से मेरे जीवन में ऐसे मामलों में भीख नहीं मांगी। ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, अभी इस सेशन के अंदर भी ये मसला उठाया था नरेंद्र सिंह भाटी ने, तो मुख्यमंत्री जी आकर के विपक्ष के नेता के कमरे में आए और उन्होंने कहा कि भाई ये मामला मेरे दामाद का है, इसको खत्म करो। कभी मैंने किसी की दया के ऊपर चलना नहीं सीखा, और इसलिए मेरे सुनीला पर जो मामला उठाया वो बेबुनियाद था, उसमें बुनियाद ही नहीं थी, खत्म हो गया। सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी इंक्वायरी की, सीबीआई ने इंक्वायरी कर दी, कुछ नहीं। अगर आगे कोई ऐसी जांच हो विधानसभा की कमेटी या कोई कुछ करे तो उसको आप स्वीकार करेंगे? नहीं, किस बात के लिए, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है जिस चीज का, उसमें आप जांच अपॉइंट करो मतलब क्या? तो जांच कमेटी की रिपोर्ट हाउस में क्यों नहीं रख देते आप? वो इसलिए कि सीबीआई की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का उसमें नहीं रखा जाता, गवर्नमेंट का प्रिविलेज है। ये मांगे टलवा जो सीबीआई के मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी नहीं हुई है। लेटर लिखकर ये भेजा गया कि नरपल सिंह राजवी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है। एक्चुअली नरपल सिंह राजवी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इस जमीन के संबंध में उनके पिताजी की इंक्वायरी हुई थी, उनका नाम है राजवी अहमद। नहीं तो आप इसकी पूरी जांच करा के हाउस में रखवा दें। सीबीआई से जांच करेंगे, वो कौन सी जांच करेगा? तो सीबीआई के नाम से कई मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल छोड़कर बाहर बैठे हैं, वो सीबीआई ने जांच की है। आगे जांच का भी कहीं कहीं अंत होता है। जो पटल पे न रखने से थोड़ा लोगों को शंका होती है। सवाल ही नहीं, स्पीकर ने देखी है रिपोर्ट, स्पीकर ने रिपोर्ट देखकर अपनी रूलिंग दी है, उस रूलिंग में उन्होंने माना है कि सीबीआई ने इसकी जाँच की और जाँच में कुछ नहीं था। प्रजातंत्र के अंदर इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि अपने एक रिश्तेदार के लिए, अपने दामाद के घपले को दबाने के लिए सदन का दुरुपयोग किया जाए, इतना बड़ा असत्य वाचन किया जाए। तो इतनी बड़ी जमीन तो सीलिंग में भी आती होगी। सीलिंग में आई, वो गई सीलिंग में आ गई, वो तो सीलिंग से तो नहीं बचे हैं, लेकिन जो जमीन बची हुई थी, पांच भाई हैं, इनमें जमीन का बंटवारा हो तो बंटवारे में इसके हिस्से में आई है, इन्होंने तो कोई अपराध नहीं। पर जिस समय जमीन ली थी उस जमीन की कोई कीमत ही नहीं थी, तो डेजर्ट था प्रैक्टिकल। जो बीकानेर के कमिश्नर थे भंडारी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, काफी गड़बड़ियां हैं, काफी जांच कराई जानी चाहिए दामाद के बारे में। उन्होंने रिकमेंडेशन के ऊपर उस समय के तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री परशुराम मदेरणा, जो आज लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने जांच करवाई और जांच में कुछ निकला नहीं। तो यह था राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की पर्सनालिटी का एक लेखा जोखा। अगले हफ्ते एटको रूबरू में हम आपकी मुलाकात एक नई पर्सनालिटी से कराएंगे।